आर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अपराधी अब बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने के बजाय उन्हें छिपाने का काम कर रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गोंडा के इटिया थोक से, जहां ग्राम पंचायत पूरे सब कुछ एलियन पुरवा में एक दलित युवक रामकुमार और उसके परिवार पर बीती 2 जुलाई को दिन दहाड़े भगुराहा जमुनिया बाग के कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव में गांव के कुछ ग्रामीण भी घायल हो गए, लेकिन भीड़ बढ़ती देख दबंग वहां से फरार हो गए। वहीं पीड़ितों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन युवक का आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज करना तो दूर उल्टा उस पर ही मुकदमा लिखने की धमकी देकर उससे हजारों रुपए ऐंठ लिए। युवक व उसका परिवार अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। वहीं अगर ग्रामीणों की माने तो युवक की पत्नी बिना बताए ही घर से गायब हो गई थी। जब युवक गुमशुदगी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने कार्रवाई की बात कहकर टरका दिया, जिसके बाद दबंग ससुराल पक्ष दलबल के साथ आकर इस घटना को अंजाम दिया और लगातार जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। नाम है भाई साहब आपका? राम कुमार। कौन सी ग्राम पंचायत है? पूरे सबसे। क्या मामला है आपका, क्या समस्या है? मेरे ससुराल वालों के पक्ष से जानलेवा हमला मेरे पे किया गया। हमला कब किया गया? 2 जुलाई को। उसके बाद इसकी आपने शिकायत कहीं की? मैंने किया था थाना कोतवाली इटिया थोक। तो क्या हुआ इटिया थोक थाना कोतवाली की तरफ से क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे नाम NCR दर्ज करके मुझे मुलजिम बनाया गया। उसके बाद आपने इसकी शिकायत कहाँ की? SP को किया, CO को किया, अभी तक कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? कोई नहीं हुआ। फिर क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ न्याय, चाहता हूँ मुझे न्याय मिले और अपराधियों को जो भी है इसमें उनको सख्त से सख्त कानून उनको सजा दे। अच्छा।